हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलस्पून इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 2 रुपए 25 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 1% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने में 13%, 3 महीने में 37% और 6 महीने में 23% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा और अभी भी देखें तो इस स्टॉक में लगातार एक ऊपरी लेवल पर स्टॉक में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 101 रुपीज। 101 रुपीज का इस स्टॉक में हाई बॉटम देखने को मिलेगा जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 62 रुपीज। 62 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा जहां पर स्टॉक में एक निचले लेवल पर एक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 88 रुपीज, 88 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 110 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you.